हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ छत पे हम लोग सुबह सुबह वॉक करने गए थे और आज इनकी छुट्टी थी, तो बस वहीं पे लग गए हैं पौधों की साफ़ सफाई में, क्योंकि सारे गमले हमने हटा हटा के उनके नीचे, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी और इस समय आंधी तूफान आता तो बहुत सारे पत्ते वगैरह इकट्ठा हो गए थे, सबको हटा हटा के साफ़ किया है। और इधर कुछ सामान जो रखा हुआ है हमने जब घर बनवाया था तब का, तो बस यहाँ पर भी सारा सामान हटा कि इन्होंने सफाई करी है अच्छे से, क्योंकि कुछ दिन में ज़रूरी होता है कि हम कोई भी सामान रखें तो उसको हटा के साफ़ करना चाहिए, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। और उसके बाद आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे ये नई झाड़ू थी, बस उसको झाड़ रही हूँ, क्योंकि जब हम नई झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो पूरे घर में एक छोटे छोटे से निकलते हैं इसमें से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको झाड़ दिया। उसके बाद झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी, आप बृहस्पतिवार को गुरुवार को पोछा मत लगाया करिए, क्योंकि आप केले की पूजा करते हैं तो पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो हमने नहीं सुना था, क्योंकि हमारे लोग के यहाँ यही बोलते थे गोबर से नहीं लीपा जाता। जो मैं कथा करती थी तो उसमें भी यही लिखा था कि गोबर से नहीं लीपना चाहिए था, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मैंने सोचा चलो अब आज के दिन मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। लेकिन मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि लगा लूँ, क्योंकि इस समय रोज़ आंधी तूफान आता तो घर भी काफ़ी गंदा रहता है, लेकिन नहीं लगाया फिर मैंने पोछा, सिर्फ झाड़ू लगाई, क्योंकि मैं केले की पूजा बृहस्पतिवार पहले व्रत रखती थी तभी से केले की पूजा करती हूँ। अभी व्रत तो नहीं रखती पर पूजा वैसे ही करती हूँ हर बृहस्पतिवार को। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे पूरी झाड़ू सफाई सब हो गई है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैंने दाल उड़द की भिगो के रखी थी रात में ही, तो आज मैंने बनाने हैं दही बड़े। और उसमें मैंने दाल निकाल ली और थोड़ा सा पानी डाल के इसको एकदम बारीक पीस लेना है। अगर हम दही बड़े जब बनाते हैं और इसको खूब बढ़िया बारीक पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के पीसते हैं, तो मिक्सी पे जोर भी नहीं पड़ता है और अच्छा मतलब पीस भी जाता है। रुक रुक के पीसना चाहिए, एकदम से एक बार में नहीं पीसना चाहिए, नहीं मिक्सी गर्म हो जाती है, ख़राब होने का डर रहता है। और उसको पीस के रख दिया है। उसके बाद ये सब्जी दाल चढ़ा दी एक तरह से कढ़ाही में, तेल डाल के थोड़ा सा हींग जीरा और लहसुन मिर्च अदरक कूट के डाला है और बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं दो तीन। तो यहाँ पे कटहल की मैं सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ और दाल हो गई थी तो दाल पलट दिया है, अब इसमें चावल डाल दूंगी और दाल को तुरंत ही छौंक भी लगा देती हूँ। घी डाल दिया है थोड़ा सा और जीरा हींग मिर्च हरी डाल के छौंक, ये अच्छी लगती है ऐसे सिंपल सादी दाल और सूखी सब्जी चावल रोटी, ये खाने में दोपहर में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ प्याज भी हो गई थी तो इसमें सूखे मसाले जो हम डेली यूज में खाते हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद बस कटहल डाल के भूंज दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के नमक डाल के ढक दूंगी, तो सब्जी तैयार हो जाएगी। और चावल डाल के फिर मैं नहाने धोने जाऊंगी। और इनकी क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाता है, अगर ये सुबह नाश्ता करने में, तो ये बोलते हैं पूरा खाना बना लिया करो, क्योंकि गांव में हम लोग सुबह पूरा ही खाना बनाते थे, जिसका मन होता था रोटी सब्जी खाता था, जिसका मन सब्जी पराठा, और यही ये बोलते हैं कि सुबह खाना ही बना लिया करो, लेट क्यों करती हो, साथ में खाना ही पूरा खा लेंगे। सब्जी चावल आटा दाल ये हो गया है, अब दीक्षा बाकी का काम करके रखेगी। और मैंने अपनी साड़ी ओड़ी निकाल ली है, कपड़े निकाल लिए हैं, बस फटाफट से नहाऊंगी। ये मंदिर में पहुंच चुके हैं तो इनके आरती करने से पहले मैं जल्दी जल्दी से नहा के मुझे पहुंचना है मंदिर, तो फिर चलती हूँ। तो बस यहाँ पे मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं पूजा करने के लिए, तो ये पहले से ही नहा के चले जाते हैं, जैसे इनकी ड्यूटी रहती है जल्दी इनको जाना रहता है तो ये चले जाते हैं, फिर ये अपनी पूजा करके चले जाते हैं, मैं बाद में अपनी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने जो ड्रेस बनाई थी कान्हा जी को पहना दी है, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब अभी और मैं बनाऊँगी तब उसको थोड़ी छोटी बनाऊँगी। और मैं इनको लेके थोड़ा झूला झूला रही हूँ। और यहाँ पे बस विष्णु भगवान की पूजा हो गई है, यहाँ पे चने की दाल गुड़ मुनक्का और ये जल पीला फूल यही चढ़ा के विष्णु भगवान का व्रत मैं पहले रखती थी, तो मैंने पूजा नहीं छोड़ी है, हर बृहस्पतिवार को वैसे ही पूजा करती हूँ, कथा नहीं पढ़ती हूँ और जल वगैरह हम दोनों ही साथ में चढ़ा देते हैं। जब ये ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ, ये टाइम के ऊपर रहता है, जैसा हमें टाइम मिलता है हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो पूजा हो गई और अब चलते हैं नाश्ता, तो नाश्ता खाना दोनों ही मेरा तैयार है, तो बच्चे तो नाश्ता करेंगे और मैं भी नाश्ता ही करूंगी, इनको मैं दूंगी पूरा खाना। अरे वाह, दीक्षा ने तो निकाल के भी रख दिया है, मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये देखिए लगी हुई है थाली, दिखाएं
ये देखिए थाली लगी लगाई मिल गई है, और जैसा कि ये पूरा खाना और मेरी रोटी सब्जी, तो यही करेंगे हम लोग। टीवी चल रही है, इन लोगों का कार्टून, ब्रश कर रहे हैं, कोई ब्रश कर रहा है, कोई टीवी, कोई नहाने जा रहा है, तो बस यही चल रहा है। तो चलिए फिर खाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने जो सुबह दाल पीस के रखी थी, वैसे तो मैंने सोचा था कि 2-4 घंटे बाद ही इसको बना लूंगी, जैसे ही खाना पीना होगा दोपहर में, और फिर रख दूंगी, शाम के टाइम में हम लोग खाएंगे। लेकिन फिर सर दर्द होने लगा और थक गई थी तो रेस्ट में लेट गई, वीडियो वगैरह एडिट करके डाला तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, तो मैं ये शाम के टाइम में ही बना रही हूँ, 3, 3:30 या 4 ऐसे ही कुछ हो रहे हैं। और ये दाल को खूब अच्छे से मैंने फेंट लिया है, और ये देखो पानी में आप डालेंगे ना तो ऊपर आ जाता है, और बारीक, खूब बढ़िया बारीक पीसा था थोड़ा सा पानी डाल के दाल को। और अगर हम दाल को पीस के जैसे रात भर भिगो के रखा, फिर 2-4 घंटे के लिए रख दिया, फिर उसको खूब अच्छे से फेंट लिया, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चम्मच से ही फेंट लिया है। उसके बाद अदरक मिर्ची कूट के डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा नारियल कटा हुआ डाला है, और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। तो इस तरह से बना के देखिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने पहले भी कई तरह के बना रखे हैं, लेकिन इस बार इस तरह से जो बना रही हूँ बहुत अच्छा लगेगा। ना इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाल के, सिर्फ फेंटने की वजह से इतने फूले फूले से बनते हैं, और एकदम बारीक पीसना है। और थोड़ा सा पानी, अगर हम पानी डाल के पीसते हैं मिक्सी जार में ना, तो मिक्सी पे जोर भी नहीं पड़ता और बढ़िया पेस्ट बन जाता है। तो बस, और उसको रख दिया था, इतने टाइम तक रखा था, फिर अच्छे से फेंट लिया, और बस यहाँ पे कढ़ाई में तेल या रिफाइंड जिसमें भी आपको तलना है डालते जाइए, और इतने बढ़िया ये गुब्बारे जैसे फूल जाएंगे। ये देखिए बस मेरे यहाँ पे बड़े बन गए हैं, और उधर गर्म पानी कर लिया है, थोड़ा सा गुनगुना टाइप का, मतलब बहुत गर्म नहीं, और उसमें इनको तल तल के डाल देना है। और जब तक मैं दूसरा डालूंगी और बनाऊंगी निकालूंगी, तब तक के लिए इसको पानी में पड़े रहने दूंगी। और फिर से दोबारा डाला, और जो मैंने ये बगल में रखा ये तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी भिगाने की, उन लोग को ऐसे ही बहुत पसंद आ रहा था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे रुई जैसा बनेगा ये। और बस यहाँ पे उसके बाद बनाने के बाद पानी से थोड़ा सा दबा दबा के निकाल लिया था, उसके बाद जो दही है वो ले लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और उसके बाद ये थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और इसको अच्छे से घोल लिया है मैंने डालने के बाद। अब फिर से मैंने इसमें छौंक लगाने के लिए रख दिया है गैस पे, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची ले रही हूँ, तो मैं हमेशा ही कूट के डालती हूँ, मैंने उसमें बैटर में भी कूट के ही डाला था, और इसमें भी कूट के, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा राई डाला है, और खड़ी मिर्च डाली है, और थोड़ी सी उड़द दाल डाली थी, और एक चम्मच बिना छिलके वाली, उसके बाद एक कड़ी पत्ता डाला है, और बाद में ही अदरक और मिर्ची डाल दिया है, और इनको सब हींग भी डाला था मैंने, और ये सारे को छौंक लगाना है मुझे दही में। तो बस यहाँ पे ये तैयार हो गया है, और ये दही भी घुल गई है, मैंने बस इसमें चीनी नमक जो डाला था उसको भी मिला दिया है अच्छे से, और ऊपर से लगा दिया है ये छौंक, और बस अब यहाँ पे ये तैयार हो गया है। और वैसे तो इसको रख देने से 2 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए तो बहुत अच्छा सा फूल जाएगा, फिर खाने में और मज़ा आएगा, पर मुझे टाइम नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था, फिर रात में हम लोग खाना नहीं चाहते थे दही, तो जो अभी खा सकेंगे खाएंगे, बाकी जो बचेगा वो कल खाएंगे। और यहाँ पे मैंने बस ऊपर से हरी धनिया डाल दिया था, और उसके बाद यहाँ पे बस लग गई है प्लेट, निकाल रही हूँ और सबको बस दे दूँगी, तो आज शाम को यही खाएंगे। और ये अच्छे काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया था, और ऊपर से इसमें थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च डाल दिया है हल्की सी, और ये देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट से बने हैं, तो आप लोग भी ये लीजिए खाइए। ये पूरे क्यों नहीं हटाए सामान, ये तो पड़े ही हैं, फूड खाने आए हैं, खड़े होकर खाए, ले जाओ इसको सब हटाओ यहां से, नारियल का मजा नहीं, उसको आज ना कैसे लगा नारियल? हां बहुत टेस्टी है, हां आ जाओ आप लोग भी खाओ, बढ़िया है सच में, खाने नहीं सब।
तुम लोग को कैसा लगा? बाकी बातें बाद में। बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है, सच में बहुत टेस्टी है। और दोपहर की प्लानिंग थी पर शाम हो गई और तुरंत का तुरंत खा रहे हैं। जब ये अच्छे से इसके अंदर दही जब चली जाती तो और टेस्टी लगता। खाने पीने के बाद छत पे आ गए। तो ये पौधा आप लोगों को मैंने दिखाया होगा, ये अनार का पौधा है। जो पहले से मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि कितना बड़ा पौधा था और इसमें अनार भी लगे हुए थे, लेकिन हमारी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये सूख गया था। और ये देखिए इसमें छोटा सा निकल रहा है। इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई, एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि ये पौधा शायद फिर से हरा हो जाए, क्योंकि इसमें चींटियाँ लग गई थी। तो हमें उस चींटियों के निकालने के चक्कर में पूरा पेड़ निकाल के हमने उसको झाड़ झाड़ के मिट्टी निकाली, धुल के फिर से लगाया। तो ये देख रहे होंगे पूरा एकदम से सूख गया था। तो हम लोग सोचे अब ये पौधा सूख गया, और जब हम इतने बड़े पौधे को सूखते हुए देख रहे थे तो हमें बहुत दुख हो रहा था कि हमने किस लिए चींटियाँ निकाली, किस लिए ऐसे ही पड़े रहने देते, ये सोच रहे थे। लेकिन अब जब उसमें छोटी सी नीचे से हरी पत्तियाँ निकल रही तो लग रहा है कि ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। इन पौधों को देख के बहुत खुशी मिलती है, एक अलग ही हम लोग को एनर्जी आ जाती है। हम लोग सुबह शाम जाते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स हो गए हैं सारे काम, रात हो गई है और सोने का टाइम हो गया है, और आप लोगों से विदा लेने का भी समय आ गया है। आज मेरा सर दर्द हो रहा था, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो काफ़ी सर दर्द शाम से हो रहा है। दवा भी खाई मैंने तो आराम नहीं हुआ है, अभी फिर से मैंने दवा दोबारा खाई है, इससे मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। जब मैं वीडियो इस तरह से एंड करती हूँ आप लोगों से बातें करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे एंड तो वैसे भी कर देती हूँ, लेकिन संतुष्टि ऐसे ही मिलती है कि लास्ट में आप लोगों से बातें हो जाएँ। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और सपोर्ट करते रहना। मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट। आप अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Good night, Sidri.